हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ गया हूँ शालीमार बाग के जन्माष्टमी महोत्सव मेले में। दोस्तों इसके अंदर मैं आप सभी को लेकर चलूँगा। इसकी टिकट प्राइस क्या रहने वाली है, बाकी अंदर जो है कि अंदर आपको कौन कौन सी राइड्स देखने को मिलेगी, फूड कोर्ट एरिया होते हुए जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ की लोकेशन क्या है, ये सभी आप तक जो है साझा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का ये ब्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बात रही दोस्तों यहाँ की लोकेशन की कि यहाँ लोकेशन क्या रहने वाली है, क्या आप यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकेशन है दोस्तों ये है शालीमार बाग ब्लॉक बीडी गुडली पब्लिक स्कूल के ठीक साथ में जो है ये पूरा मेला है ये आयोजित कराया गया है। दोस्तों ये मेला कब शुरू हुआ और ये कब मेला जो है पूरा खत्म होने वाला है, तो दोस्तों इस मेले की जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो 21 तारीख को जो है पूरे मेले की स्टार्टिंग हुई और ये जो है दोस्तों ये 7 सितंबर तक जो है ये पूरा मेला चलने वाला है। देख रहे हैं बाकी ये पूरा का पूरा मेला जो है दोस्तों ये शाम को 5 बजे से ही पूरा मेला जो है ये शुरू हो जाता है और ये रात के 11 बजे तक ये पूरा मेला चलता है। बाकी बात रही दोस्तों यहाँ की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, दोस्तों आप जो है इस मेले में कैसे आ सकते हैं बाय नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के, दोस्तों यहाँ की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ की नीचे नेताजी सुभाष प्लेस की जो है यहाँ की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो रहने वाली है। बाकी भाई दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये शालीमार बाग जन्माष्टमी महोत्सव मेले का मेन एंट्री गेट जो है ये यहाँ है। बाकी अंदर आपको पार्किंग सारी जो है और अंदर जो मेन जो एंट्री गेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से अंदर। बाकी दोस्तों जैसे ही आप इस गेट से अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर बाइक पार्किंग देखने को मिल जाएगी और मेरे इस हाथ पे आपको जो है दोस्तों कार पार्किंग जो है वो देखने को यहाँ मिल जाएगी। देखने बाकी बात रही दोस्तों के बाइक पार्किंग का क्या प्राइजेस है, तो दोस्तों बाइक पार्किंग का जो है यहाँ स्कूटी और बाइक जो खड़ी हो सकती है उनका दोस्तों 10 रुपये जो है वो चार्जेस रहेंगे। बाकी गाड़ियों का जो है दोस्तों वो रहेगी दोस्तों 30 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं जो पार्किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आगे देख सकते हैं आगे मेन गेट देखने को मिल जाएगा मेले का, ये देखिए। और पूरा देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है पूरा बना रखा है, देखें। बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों ये है इसका मेन एंट्री गेट। बाकी यहाँ पर आपको जो है यहाँ एंट्री की कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो एंट्री आप जो है यहाँ से ले सकते हैं, देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेले के अंदर। चलिए तो ये लीजिए दोस्तों जो है अंदर एंट्री कर ली है, ये लीजिए भाई मेले में अंदर आ गए, ये देख रहे हैं। अभी चीजें करके जो है दोस्तों आपको इस पूरे एरिया का फुल टूर कराने वाले हैं। ये लीजिए दोस्तों सबसे पहले दर्शन करिए गणेश जी के, ये देख रहे हैं। बाकी देखिए दोस्तों अंदर आती जो है हमें सबसे पहले गेम जोन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, देख रहे हैं इन्होंने बताया भी है। ये देखिए भाई गेम जोन है यहाँ पर, ये देखिए। बाकी यहाँ पर शायद रिंग वाली गेम जो है, तो देखिए भाई यहाँ इंडियन होपला मनोरंजन रिंग स्टॉल जो है भाई यहाँ देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं इसके अंदर कई सारे जो है प्राइजेस भी लगाए गए। तो भैया कैसी कैसी गेम है, क्या क्या करना पड़ता है गेम में? ये 100 के 6 चांस मिलते हैं, जोन से में डालोगे वो यहाँ पर हो जाता है। अच्छा मैक्सिमम जो रिंग है, तो मैक्सिमम रिंग्स का क्या प्राइस होगा? रिंग 100 के 6 मिलेंगे आपको। अच्छा हाँ 100 रुपये के जो है 6 जो है आपको रिंग मिलेंगे, जो भी 6 रिंग आपको फेंकने पड़ेंगे आपके जो भी सही इस पे चले जाते हैं। ऐसे प्रॉपर आएगा? अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे जो आएगा तो बता रहे हैं ऐसे जो प्रॉपर जो आएगा वो आप जीत सकते हैं यहाँ पर। कोई भी चीज़ जो है जहाँ जो भी आपको यहाँ नज़र आ रही है वो चीज़ें आपको जो है वो आप जीत सकते हैं, वो भी 100 रुपये में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं और कौन कौन सी गेम्स है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और बाकी राइड्स भी जो है वो आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाती है लकी ड्रॉ वाली गेम, ये देख रहे हैं भाई। इसमें जो है आपको 6 बोलों के जोड़े बनाकर जो है नंबर वाली जो भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नंबर दिए गए हैं आपके जो भी नंबरों के अनुसार जो भी दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नंबर दिए गए हैं 12, 18, 24, 30। अगर इनमें से कोई सा भी जो नंबर आप जो नंबर जोड़कर भी आप यहाँ पे 2-3 ऐसे प्लस कर करके जो नंबर है आपके बॉल्स में चले जाते हैं तो आप जो यहाँ पर जो लकी ड्रॉ में जो सामान है वो आप यहाँ जीत सकते हैं। देख रहे हैं ये देखिए कई सारे सामान हैं वो रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर गिफ्ट बच्चों को ज़्यादा कर खिलौने जो है आपको यहाँ ज़्यादा कर देखने हो और जीतने को मिलेंगे। इन पर प्राइजेस लिखे हुए हैं कि 32 नंबर, 33 नंबर और 24 नंबर, ऐसे नंबरों में आप जो है यहाँ जीत सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाती है ब्रेक डांसिंग राइड, ये देखिए भाई यहाँ पे भाई देखिए काफ़ी स्पीड से जो है ब्रेक डांसिंग राइड यहाँ देखने को मिल जाती है, देख रहे हैं।
और ज़्यादा अगर ये रेड झटके मारने में ज़्यादा अगर माहिर है ये राइड देख रहे हैं, तो एक बार इसका जो है टिकट प्राइस पूछ लेते हैं भाई से कि क्या रहेगा इसका टिकट प्राइस। भाई इसका टिकट प्राइस क्या है? 100 रुपये। तो देखिए भाई, भाई ने बताया इसका टिकट प्राइस 100 रुपये है, और बाकी यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जाइंट व्हील जो है भाई वो हो गया शुरू, देख रहे हैं। और इसका दोस्तों आपको ये देखिए भाई, काफ़ी तेज़ी से जो है स्टार्ट हो गया, देखिए काफ़ी तेज़ चल रहा है जाइंट व्हील, देख रहे हैं। और इसी के थ्रू जो हवा भी है भाई वो भी अच्छी आ रही है, देख रहे हैं ये देखिए। बाकी लाइटनिंग सबसे अच्छी जो है जाइंट व्हील की लाइटनिंग, दूर से पता चल जाता है दोस्तों इस एरिया में मेले लग रहे हैं, ये कई ऐसी चीज़ें जो है वो चीज़ पता चल जाती है। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, इसका जो है टिकट प्राइस पूछते हैं क्या रहेगा टिकट प्राइस। बाकी दोस्तों इसका जो टिकट प्राइस है दोस्तों वो रहेगा 100 रुपीज़, देख रहे हैं। बाकी बारी है आपको दोस्तों के ड्रैगन ट्रेन राइड को दिखाने की, तो चलिए आपको जो है ऊपर से ही दिखाते हैं। ये देखिए भाई ड्रैगन ट्रेन राइड है, ये देख रहे हैं भाई, ये देखिए इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर बैठ सकते हैं, और पूरा देखिए इसका जो है काफ़ी स्पीड से जो है चक्कर काटती है ड्रैगन ट्रेन राइड, ये देख रहे हैं, ये देखिए एक बार। और इसका जो है टिकट प्राइस दोस्तों वो 100 रुपीज़ है, देख रहे हैं। ये देखिए भाई ये आ गई चक्कर काट के ट्रेन, ये देखिए किस तरह लोग बैठे हैं। अब जो है ट्रेन जो है भाई वो तो हो गई रुक, ये देखिए ट्रेन रुक गई। बाकी देखिए दोस्तों ड्रैगन ट्रेन राइड की जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, देख रहे हैं ये देखिए भाई। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं वहाँ राइड क्या देखने को मिलेगी, फूड कोर्ट एरिया क्या क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चलिए। बाकी यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर भूत बंगला जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये देखिए भाई अंदर काफ़ी अलग अलग जो भूत है वो सारे जो है अंदर जो भूत बंगले में दिखाए जाते हैं। बाकी देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा जो है हॉरर हाउस जो है वो बताया जाता है भूत बंगले को, देख रहे हैं। तो बाकी जो है इसकी जो टिकट प्राइस है वो 70 रुपये रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको चुस्की मेकर जो है भाई वो भी देखने को मिलता है, ये देखिए। बाकी देखिए भाई यहाँ पर देखने को मिल जाती है एक और राइड, देख रहे हैं ये देखिए भाई काफ़ी तेज जो राइड है वो देखने को मिल जाती है, ये देख रहे हैं ये देखिए भाई। और भाई यहाँ तो काफ़ी स्पीड में जो है वो चलती हुई नजर आएंगी, देख रहे हैं ये देखिए। इसमें शायद दोस्तों एक भाई भी बैठा हुआ है, देख रहे हैं एक बार उसको ध्यान से दिखाते हैं, ये देखिए। भाई दोस्तों इस राइड का नाम बताया है स्विंग गेट या फिर चांद तारा भी आप इस राइड को कह सकते हैं, देख रहे हैं इस राइड का काफ़ी अलग ही नाम जो है वो देखने को मिला है। बाकी इसकी टिकट प्राइस जो है दोस्तों वो 100 रुपीज़ है। बाकी इसी के साथ में दोस्तों कोलंबस राइड जो है भाई वो हो गई है शुरू, जो जाइंट व्हील के साथ में ही है, देख रहे हैं। तो एक बार उसके पास चलते हैं, देखिए उसमें कई सारे लोग जो है वो बैठे हुए नजर आएंगे। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और वहाँ का जो है टिकट प्राइस भी देखते हैं क्या है। तो भाई कोलंबस राइड जो है भाई वो हो गई है शुरू, देख रहे हैं ये देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चल रही है यहाँ पर, ये देखिए। बाकी कई मेलों में गए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है हर राइड्स की जो स्पीड है भाई वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, देखने ये देखिए वो देखिए भाई काफ़ी ऊंचा जो है काफ़ी ऊंचा जा रहा है, ये देख रहे हैं कोलंबस। ये देखिए तो चलिए एक बार जो है इसका टिकट प्राइस पूछते हैं क्या रहेगा इसका टिकट प्राइस। बाकी ये देख रहे हैं राइड तो अच्छी लग रही है, राइड पर जो लाइटनिंग है वो तो और भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, देख रहे हैं ये देखिए। तो चलिए एक बार यहाँ काउंटर और इसका जो देखने से मिलता है दोस्तों टिकट प्राइस आप देख सकते हैं, इसका जो है दोस्तों टिकट प्राइस वो 100 रुपीज़ है, देख रहे हैं ये देखिए 100 रुपीज़ पर पर्सन का जो है वो टिकट प्राइस रहने वाला है, ये देखिए। बाकी भाई यहाँ पर एक और जो छोटे बच्चों की राइड है वो देखने को मिल जाती है भाई, इस राइड को क्या नाम लेते हैं? बाकी दोस्तों यहाँ देखने को मिलती है आपको वाटर बोटिंग राइड जो कि छोटे बच्चों की, इसमें 3 से 5 साल के बच्चे जो है इसमें बोटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। और इसका जो टिकट प्राइस है वो 70 रुपये रहने वाला है, जो कि इस एरिया में ही जो है बच्चे राइड कर सकते हैं दोस्तों। बाकी राइड्स की बात अलग है, कोट एरिया की बात अलग है, तो उन सभी से अलग जो है आपको यहाँ पर कई सारे जो अलग स्टॉल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस पर आपको जो है भगवानों की मूर्तियाँ और बुद्ध भगवान की आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्ध भगवान है, भोले शंकर हैं, इन सभी के स्कल्पचर और जो है मूर्तियाँ आप यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हैं ये देखिए एक और यहाँ पर एक देखिए ये देखिए एक ये देखिए दोस्तों यहाँ पर और यहाँ देखिए
बाकी गणेश जी को देखिए। तो कुछ इस तरह से जो है काफी अलग अलग तरीके की मूर्तियां जो है वो यहाँ देखने को मिल जाती है, देख रहे हैं ये देखिए भाई। बाकी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर काफी अलग अलग प्राइजेस में जो है ये मूर्तियां जो है आपको देखने में एवं खरीदने को जो है वो मिल जाएंगी, देख रहे हैं यहाँ पे कलरफुल मूर्तियां, यहाँ पर ग्रे ग्रे जो कलर है, ब्लैक ब्लैक कलर में जो मूर्तियां वो देखने को मिल जाती है, देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे कि मूर्तियां हमने यहाँ देखने को मिली इस मेले में। किस मेले में दोस्तों? जो भी आपको अलग अलग तरीके के जो स्टॉल्स है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बाकी दोस्तों यहाँ छोटे बच्चों की जो है मस्ती के लिए यहाँ पे जंपिंग राइड्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बच्चे जंप भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो है दोस्तों वो 50 रुपये जो है टिकट रहने वाला है। बाकी देखिए दोस्तों छोटे बच्चों के लिए जो है 1 से 2 साल के बच्चे जो है इस ट्रेन राइड में घूमने के लिए ये देख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर राइड्स जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, देख रहे हैं। ये देखिए भाई काफ़ी आराम से बच्चे जो है ट्रेन का सफ़र का मज़ा जो है वो ले रहे हैं। देखिए ये ट्रेन राइड है, ये देखिए एक बार इसका टिकट प्राइस पूछ लेते हैं। बाकी जो है दोस्तों इसकी जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपये, देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम पर पर्सन के जो है वो 50 रुपये रहने वाले हैं, ये देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं और कौन कौन सी राइड्स जो है पूरे इस जो शालीमार बाग में जो जन्माष्टमी मेला लगाया गया इसमें और कौन कौन सी राइड्स जो है अलग अलग हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। बाकी ये देखिए छोटे बच्चों की जो कार राइड्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, देख रहे हैं। ये देखिए भाई काफ़ी अलग अलग जो राइड्स हैं ये देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये देखिए इसकी भी जो है पर पर्सन की 50 रुपये जो है वो टिकट प्राइस रहने वाली है, देख रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है इंजॉय कर लेते हैं 1 से 2 साल के जो है कार राइड्स में बैठ कर। ये देखिए भाई काफ़ी बढ़िया जो है ये राइड्स देखने को मिल जाती है। बाकी ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और राइड जो है भाई वो देखने को मिल गया, देखिए हल्की हल्की जो है भाई थोड़ी बहुत ऐसी लग रही है जैसे ब्रेक डांसिंग राइड की तरह बनाई हुई है, देख रहे हैं। बस ये घूमते नहीं है, छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है, ये गोल जो है उसके गोल राइड है, ये पूरी गोल जो है पूरा चक्कर लगाती है, देख रहे हैं छोटे बच्चों की, जो कि इसका जो टिकट प्राइस है ये भी 50 रुपये ही है, ये देख रहे हैं। ये देखिए भाई इसमें आपको बत्तख, डक्स, जितनी डक्स हैं, कार्स हैं और हॉर्स भी आपको इसमें जो है राइड्स करने में देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं इसमें बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जो राइड्स हैं यहाँ अलग अलग टाइप्स की, तो ये हमें देखने को इस पूरे जन्माष्टमी मेले में देखने को मिल जाती है। बाकी भाई यहाँ पर जो है भक्तमाला देख रहे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा कीर्तन टाइप जो है वो पूरा होता है श्री कृष्ण भगवान का, देख रहे हैं। अभी जो है दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया तो अभी ये पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन जो है हर दिन जो है दोस्तों यहाँ पर कथा होती है, तो कथा के लिए पूरा जो है ये पूरा एरिया जो है आयोजित किया जाता है, देख रहे हैं। बाकी बात रही दोस्तों फूड कोर्ट एरिया की, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है फूड कोर्ट एरिया, देख रहे हैं काफ़ी बड़े स्पेस में पूरा फूड कोर्ट एरिया है, यहाँ बैठकर जो है आप पूरा खाने पीने का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका मेन्यू बताया था कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी जो वैरायटी है वो आपको देखने एवं खाने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये पूरा इसका मेन्यू है, जिसमें आपको पाव भाजी, चीला, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, टिक्की, टोकरी, लच्छा, मसाला डोसा, बड़ा सांभर और पूरी जो थाली है भाई, यहाँ काफ़ी अलग अलग डिशेस जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाती है इस पूरे एरिए में। ये देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग डिशेस की वैरायटी है जो कि आपको इस पूरे फूड कोर्ट एरिया में देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको दोस्तों यहाँ बता दिए, यहाँ बैठ के जो है खाना पीना खा सकते हैं इस पूरे एरिया में। तो भाई ये चीज़ें पता चल गई फूड कोर्ट एरिया की, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बाकी दोस्तों इस तरफ आएंगे तो आपको जो है पूरा इस पूरे एरिया में जो है आपको ये पूरा फूड कोर्ट एरिया ही देखने को मिलेगा, इस तरफ आगे तक और यहाँ तक, ये देख रहे हैं, और उस तरफ तक पूरा ये जो है फूड कोर्ट एरिया ही है। ये देखिए जिसमें आपको पिज़्ज़ा जैसी जो अलग अलग वैरायटी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ये देखिए भाई यहाँ पर अलग अलग देखिए छल्ले जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ये देख रहे हैं। ये देखिए भाई पापड़, ये देखिए भाई देखिए दोस्तों यहाँ देखने को मिल गई है स्काई स्टेयरिंग कार, जो कि भाई यहाँ पर टिकट काउंटर पे बताई है, ये देख रहे हैं भाई इसमें जो है भाई पूरा कार चलाने के लिए इस पूरे बड़े एरिया में जो है आपको देखने को मिल जाती है। मैं एक बार आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है भाई वो पूरी बनी हुई है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर, देखिए अभी कुछ दिनों में ही पूरा कार जो है ये कार सेक्शन एरिया पूरा खुल जाएगा, बाकी यहाँ कुछ कार जो है आप इस तरह चला सकते हैं, देख रहे हैं। तो जैसे दोस्तों भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो काम है भाई ये शुरू हो चुकी है, ये देख रहे हैं। बाकी टिकट प्राइस कितना है भाई? टिकट प्राइस 100 रुपीज़, 100। ये देखिए भाई इसके कार राइड्स का जो टिकट प्राइस है भाई वो है 100 रुपीज़, देख रहे हैं। ये देखिए भाई पता चल गया, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए
दोस्तों, बाकी दोस्तों मैंने आपको एक और गेम जोन दिखाया था, अब जो है दोस्तों मैं आपको एक और गेम जोन पर लेकर चलने वाला हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखिए भाई एक और गेम जोन पर लेकर आ गए। सबसे पहले दोस्तों लकी ड्रॉ दिखाते हैं, यहाँ पर लोग जो है लकी ड्रॉ खेलते हुए नजर आ जाएंगे। देख रहे हैं, ये देखिए भाई, तो भाई यहाँ देखिए भाई, यहाँ जो है लकी ड्रॉ वाली गेम जो है भाई वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कई सारे बंदे जो है लकी ड्रॉ में अपनी जो चांसेस हैं वो अजमा कर देख रहे हैं भाई यहाँ पर। तो अगर जो भी आपका नंबर जो मैच कर जाता है इन सभी को देखकर, तो आप भाई यहाँ जो है लकी ड्रॉ जो है आप जीत सकते हैं। बाकी जो प्राइजेस हैं वो आपको यहाँ नंबर वारी में देख सकते हैं, यहाँ नंबर लगाए हुए हैं प्राइजेस में कि आपके जो भी 28-31 जो भी नंबर आ जाता है वो आप ये जो प्राइजेस हैं ये जीत जाते हैं। बाकी भाई खेलने का क्या प्राइज़ है? 100 रुपीज़। और कितने चांसेस मिलते हैं? अच्छा एक ही बारी में मिलता है। अच्छा ये देखिए भाई 100 रुपये में एक ही बारी मौका मिलेगा खेलने का, अगर नंबर आ गया तो आप जो है ये प्राइस जीत सकते हैं। ये देखिए सारे बड़े बड़े गिफ्ट है, बाकी भाई टीवी भी है। अच्छा ये देखिए भाई टीवी भी, अच्छा ये देखिए, अच्छा इससे ऊपर भी है एक, अच्छा इसका बॉक्स है। ये देखिए अगर 36 नंबर आया था तो आप जो है टीवी भी आप जो है ये जीत सकते हैं। तो इतने जो अलग अलग प्राइजेस हैं, छोटे से छोटा प्राइज और बड़े से बड़ा प्राइज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब एक और ऐसी गेम की तरफ चलते हैं जो और अलग अलग जो गेम्स है मेले में देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाती है एक तो गन शूट वाली गेम और एक रिंग वाली गेम, जो दोनों ही जो है निशाना लगाने का है। एक आपको रिंग से निशाना लगाना पड़ेगा गिफ्ट पे, तो एक पे आपको गन से शूट करना पड़ेगा गिफ्ट पे। अगर वहाँ आपकी जो है माचिस गिर जाती है गिफ्ट पे रखी हुई तो आप जब भी आप जीत जाएंगे। अगर आप रिंग से जो भी सामान पे फेंकेंगे अगर वो सामान पे आपकी रिंग गिर जाती है तो आप जो है वो जीत जाएंगे। तो भाई रिंग्स का क्या प्राइस होगा? 100 के 6। तो मैक्सिमम इन्होंने बताया कि 100 रुपये के जो है आप 6 निशाने लगा सकते हैं रिंग्स से। आपको कुछ इस तरह की जो रिंग्स हैं वो यहाँ दी जाएंगी, देख रहे हैं कुछ इस तरह से रिंग्स है भाई की। अगर आप ऐसे करके जो है फेंकते हैं तो आप जो है जिस पे भी आपका निशाना चला जाता है तो वो आप जो है वो जीत जाएंगे। देख रहे हैं, ये देखिए भाई, और इसी के साथ में जो है एक और ये देखिए जैसे बताया गन का, कि गन में आपको जो है गन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको गन से जो है यहाँ पर शूट करना पड़ेगा इन माचिस की, ये देखिए माचिस की डिब्बियाँ इनके ऊपर गिफ्ट के। अगर इन माचिस की डिब्बियाँ जो है ये गिर जाती हैं तो आप जो है जीत जाएंगे ये गिफ्ट्स के प्राइजेस। ये देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से जो है अलग अलग गेम्स जो हैं इस गेम जोन में देखने को मिल जाती है। भाई गन्स का क्या उसका प्राइस है? 100 के 5। तो इसमें जो है चेंजेस ये हैं कि गन से आप शूट लगाएंगे तो 100 रुपीज़ के 5 निशाने लगाने को मिलेंगे। देख रहे हैं भाई, ये देखिए भाई यहाँ जो एक लड़की है भाई वो जीत गई है। देख रहे हैं, ये देखिए भाई प्राइस जीत गई भाई लड़की, ये देख रहे हैं, ये देखिए। और भाई यहाँ पर भी प्राइस लगाए जा रहे हैं, 13-2, 15-5, 20-3, 23, 1 नंबर भाई। अंकल जो है एक नंबर से पीछे रह गए भाई, यहाँ इतनी लकी ड्रॉ के चांसेस जो हैं भाई वो खोने जीतने को देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर आपको वॉलीबॉल गेम जो है भाई वो देखने को मिल जाता है। भाई कैसे कैसे पूरा गेम का सेटअप है, क्या है? 100 का 1 शॉट है। अच्छा ये जो 5 गिलास रखे हैं ये गिराने हैं। अच्छा ये 5 गिलास जो है ये गिराने हैं इस बॉल से। ये इस बॉल से गिरा दिया आपने एक बार में तो आपको इसमें से कोई भी एक प्राइज मिल सकता है। अच्छा भाई आपने, अच्छा इनमें से कोई सा भी गिलास गिरा दिया, पांचों गिलास गिराने वन शॉट में, सारे गिलास गिराने पर कोई भी वन प्राइज। तो ये देखिए भाई मैक्सिमम जो है एक शॉट से आपने 5 गिलास गिरा दिए तो आप जो है भाई ये इनाम जीत सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों यहाँ का जो है पूरा जो है फुल टूर करा दिया मैंने आपको, मेले में फूड कोर्ट एरिया दिखा दिए, राइड्स दिखा दिए सारी, और जितने भी दोस्तों गेम जोन था ये भी पूरा दिखाते हुए मैंने आपको पूरा जो है फुल टूर करा दिया। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। चलिए तो भाई निकलने का जो रास्ता है भाई वो यहीं से ही है, देख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं भाई यहाँ जो है यहाँ से निकल के आ गए बाहर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको पसंद आ गया होगा। दोस्तों मैंने आज आपको इस पूरे शालीमार बाग जन्माष्टमी महोत्सव मेले का दोस्तों मैंने आपको पूरा फुल टूर करा दिया है, सारी जानकारी दे दी है कि यहाँ की टिकट प्राइस क्या रहने वाली है, यहाँ की लोकेशन क्या है और यहाँ की जो नियरेस्ट मेट्रो से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, अंदर जितनी भी राइड्स है, ये सभी मैंने जो है आपको पूरी दिखा दी है। तो इस पूरे एरिया में मैंने आपको पूरा जो है फुल टूर करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।